तो गाइस यहाँ पे मेरे पास आ चुका है चिकन बोनलेस ब्रेस्ट, और इसको मैंने कुछ टाइम के लिए गर्म पानी में डिप करके रखा है। ऐसा हम 10 से 15 मिनट करेंगे और फिर जाएंगे इसकी मैरिनेशन की तरफ। ये मेरे पास है चिकन ब्रेस्ट, और इसमें मैं डाल रहा हूँ एक पेस्ट, दो लहसुन, बड़े लहसुन की कलियाँ, और दो प्याज और चिली फ्लेक्स। इसका एक मैंने मिंस करके इसको पीस लिया है। अब इसको हम लगाएंगे चिकन पे और अच्छे से चिकन प्रेस के ऊपर इसे हम कर लेंगे रब। अच्छे से इसके सारे पीसेस पे हम ये पेस्ट रब कर लेंगे तक कि हमारी फर्स्ट मैरिनेशन हो रही है। यहाँ पे हम एक और मैरिनेशन बना रहे हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टिनेंटल वेजिटेबल्स यानी हर्ब्स। ये मेरे पास रोजमेरी, सम ऑरिगैनोस एंड सम बेसिल लीव्स। अब हम इसको जो है इसका भी एक पेस्ट बना लेंगे और अपने चिकन पे लगाएंगे। हमारा चिकन फर्स्ट अच्छे से मैरिनेशन हो गया है लहसुन और प्याज के साथ। अब बारी है दूसरे मैरिनेशन की। ऐसे हमारी दूसरी हर्ब्स मैरिनेशन भी हमने पीस ली है, और इस तरह हम वो डाल देंगे चिकन पे और अच्छे से इसे भी प्याज लहसुन की मैरिनेशन की तरह मिक्स कर लेंगे। गाइस इसके बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें एक ढक्कन पूरा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये मैं एंड में डाल रहा हूँ। एक ढक्कन विनेगर भी मैं डाल रहा हूँ। आप चाहें तो विनेगर की जगह नींबू का रस है वो भी डाल सकते हैं, मैं विनेगर डाल रहा हूँ। और अब डालेंगे इसमें हमारी सारी सीजनिंग। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ क्रश ब्लैक पेपर यानी कुटी हुई काली मिर्च, और अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर काली मिर्च के बाद ऑरिगैनो, और ये सब डालने अब सॉल्ट डालना है। उसके बाद इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब बारी है इसमें नमक यानी सॉल्ट ऐड करने की, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे पकाएंगे। गाइस यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से इवनली ब्यूटीफुली मैरिनेटेड हो गया है। अभी जाएगा फ्रीज़र में करीबन 1 घंटे के लिए, और फिर हम इसे ग्रिल करेंगे। तो गाइस सीजनिंग में सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो देगी मिर्च या फिर चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटा हो चुका है, अब बारी है हमारे इस चिकन में एग वाइट ऐड करने की। सिर्फ एग वाइट, नॉट द योक, पीली जर्दी इसमें नहीं डालनी। अब ये डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे हमारे चारकोल तंदूर के ऊपर रोस्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक कोयला जलाने की। इसके नीचे मैंने कुछ टुकड़े सूखी लकड़ के रखे हैं और उसके ऊपर मैंने बिछा दिया हमारा एक कोयला। अब या तो मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, या फिर अगर आप ज़्यादा अमीर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल भी। एक हाथ में अपने ये रखिए और चाहे दूसरे बंदे को कह दीजिए कि माचिस रेडी रखिए। मेरा कज़न, इसके हाथ में माचिस ऑलरेडी रेडी है। चल भाई जला माचिस। और ये मैं डाल रहा हूँ इसमें तारपीन का तेल, और फिर हम कर देंगे इसको लाइट अप। बी केयरफुल, देखिए कितनी अच्छे से जल गया, लेकिन बी केयरफुल, बहुत दूर से काम करना है हमें। हमारे कोयले जल रहे हैं, तब तक हम अपने चिकन ब्रेस्ट को स्कीवर्स यानी लोहे की सीखों में लगा देंगे। आराम से धीरे धीरे हमें इसे खींच के नीचे लेके जाना है। एक सीख पे दो बहुत हैं, या फिर अगर आप थोड़े ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 3 या 4, बस इससे मैक्सिमम नहीं। सब बारी है इसे तंदूर पे सेकने की। तो गाइस ये देखिए थोड़े थोड़े हमारे कोयले जलने शुरू हो गए हैं। अभी सीख के पिछले हिस्से से मैं इनको थोड़ा फैला रहा हूँ कोयलों को, ताकि हवा का जो पास थ्रू है वो बना रहे, और इनको अच्छे से लाल दहकाने हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपने स्कीवर्स या अपने कबाब रख दिए हैं। तंदूर का ऑलमोस्ट टेम्परेचर इसमें मेंटेन हो गया है। अब बारी है इसके पकने की। तो गाइस धीरे धीरे हमारा चिकन पकना शुरू हो गया है। इस पर बारी है थोड़ा सा मेल्टेड बटर लगाने की, ताकि ये ड्राई ना होए। थोड़ा सा टाइम और लगेगा इस पर, इस हिस्से पे लगाना ज़रूरी है। सो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा जो चिकन अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर कलर भी आ गया है। अब बारी है इसकी प्लेटिंग करने की। सो गाइस फाइनली अब हमारा चिकन एकदम रेडी हो चुका है। अब बारी है इसकी प्लेटिंग की। सो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ चिकन ब्रेस्ट हमारे एक वाइट प्लेटर पे। यहाँ पे मैंने एक वाइट प्लेटर यूज़ किया है, और इस तरह से मैं चिकन के पीसेस यहाँ पे इसके ऊपर रख देता हूँ। और एक ये और है छोटा पीस हमारे पास, तो इसको भी यहाँ पे इस तरह से हम प्लेस कर देंगे। देन आफ्टर दिस यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ में थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट यानी कि
लच्छा प्याज और कुछ पुदीने के पत्ते, आप चाहें तो लेमन का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा उससे। सो गाइस, ये है हमारी रेसिपी आज की ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट के ऊपर। कैसे लगी आपको हमारी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक ले प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।